नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सानिया। वाशिंगटन में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के एक अहलकार की मौत हो गई। मुकामी पुलिस और सीक्रेट सर्विस की जानिब से मुमकिना खुदकुशी समेत हालात की तहकीकात की जा रही। सिफारतखाने ने ताज़ियत का इजहार किया और खानदान की राजदारी को बरकरार रखते हुए अहलकार की लाश भारत भेजने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े स्लम इलाके धारवाई में महबूब सुबहानी मस्जिद की मुबैना गैर कानूनी तामीरात के एक हिस्से को मिसमार करने जब BMC की टीम पहुंची तो इलाके में कशीदगी फैल गई। बातचीत के बाद फिलहाल BMC ने इंतजामी कार्रवाई को मुलतवी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को अमेरिका के 3 रोजा दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान वो 6ठे क्वाड लीडर्स समिट में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो अमेरिकी सदर जो बाइडन और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी से मुलाकात। वक्फ तरमीमी बिल पर बोर्ड ने तफसील से अपना मौकफ पेश किया। इस मौके पर कमेटी के बाद मेंबरान ने बोर्ड की जानिब से पेश किए गए ड्राफ्ट की तारीफ की। अयोध्या में मस्जिद की तामीर के लिए गैर मुल्की एहतियात की राह हमवार। IICF ने 4 जिली कमेटियों को तहलील कर दिया। मस्जिद की तामीर में तेजी लाने और बैरून मुल्क से खातिर ख्वाह फंड इकट्ठा करने के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अपनी तमाम कमेटियाँ तहलील कर दी हैं। मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। जूनियर डॉक्टर काम पर वापस लौटे। RG Kar मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की इस मदनी और कत्ल केस को लेकर मुल्क भर में गम और गुस्सा है। इस मामले को लेकर नाराज जूनियर डॉक्टरों ने ममता हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नाफिज खाने के खिलाफ तलबा का एहतजाज। प्रॉक्टर के इस्तीफे का किया गया मुतालबा और मेस में खराब क्वालिटी का खाना दिए जाने पर तश्वीश का इजहार किया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 5 रियासतों का दौरा करते हुए इजलास मुनक्कद करेगी और इस दौरान गैर रस्मी बातचीत भी की जाएगी। पहला इजलास 26 सितंबर को मुंबई में मुनक्कद होगा। दिल्ली में 17 साल नौजवान लड़के का बहीमाना कत्ल कर दिया गया। 6 से ज्यादा लड़के कत्ल की वारदात में मुलविस। बताया जा रहा है कि निसफ दर्जन से ज्यादा लड़कों ने नाबालिग पर हमला कर दिया। मुतवफी की शिनाख्त 17 साल इरफान के नाम से हुई है। इस मामले में ऑपरेशन सेल की टीम तैनात कर दी गई है। हैदराबाद के मेडचल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया पेश आया। 1 80 साल खातून के साथ 36 साल वेंकट राव और उसके 2 दोस्तों ने जिंस ज्यादती की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। और अब इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। आप इजाज़त दीजिए और देखते रहिए TTV।